मैं ट्रेन फड़नी है, बर्तन मेरा ठीक नहीं है, मैं फगवाड़े जा रहा हाँ, तो मेरी ट्रेन निकल गई है, टिकट मेरी जेब च पई हुई है। अमृतसर में अज एक वड्डा धरना प्रदर्शन किसानों वालों किया गया सी, जिथे कि अमृतसर का भंडारी पुल जाम किया गया सी। तो जथेबंदी के आगू जगजीत सिंह डलेवाल साडे नाल मौजूद ने, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डलेवाल साहब की कहना चाहोगे? सब तो पहला तो लोग बहुत हराश हुए क्योंकि इंटरनेशनल पैसेंजर भी आते हैं, वाघा बॉर्डर तो भी लोग आते, उन्होंने बहुत परेशानी हुई है। देखो सब तो पहली तो गल यह है कि जिन्हें भी लोगों साढ़े इस करके प्रोटेस्ट करके परेशानी का सामना करना पाया, असी उन्हां तो निम्रता सहित माफ़ी भी मंगांगे। तो नाल असी यह भी दसना चाहांगे कि सरकारां आम पब्लिक दे विच ते अंदोलनकारियां लोकां दे विच आपदी आवाज़ चक्कण वालियां लोकां दे विच झगड़ा डिस्प्यूट पैदा करन वास्ते ये हालात पैदा करदियां ने। मैं इसलिए कह रहा हां कि असी ये प्रोग्राम 1 नवंबर की मीटिंग दे विच अनाउंस किया है, तो अज 16 च असी खड़े हाँ। असी प्रेस कॉन्फ्रेंसा करके भी कहता, असी वख वख माध्यम तो चैनलों के राही बोल के कल्ले कल्ले दे भी कहता कि इस तरीक नूं आह 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 पॉइंट ने साडे, ये असी जाम करांगे, और असी वड्डी पद्धर ते उहनूं वायरल कराया कि कोई भी पैसेंजर तंग ना होवे। हुण की है कि जदों असी इन्ना वायरल कराया तां पता भी इह भंडारी पुल है, इत्थों किन्नियां समस्यावां ने, और उन्हां सारियां नूं ध्यान च रख के सरकार नूं चाहीदा सी ना साडे नाल गल्लबात दे विच आउंदी। क्यों मैं इह गल कही है वी असीं क्यों आए इत्थे? देखो जिहड़े मसलियां नूं लै के असीं बैठे हाँ, इन्हां मसलियां नूं लै के आह ही अमृतसर दे साडा जिहड़ा हिस्सा है जथेबंदी दे साडे वर्कर ने आगू ने ये 8-9 महीनों तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक SDM ने धांधली की है जी, मुआवजे दे विच गड़बड़ की है, उन्हें इंसाफ दियो। पर वो SDM हर सरकार दे विच हुंदा, तुहानूं इह नॉलेज होनी चाहीदी है, अगर तुसीं क्योंकि एक वड्डे आगू हो, पर तुहानूं दसना चाहांगे वो SDM हर सरकार च हुंदा, पर उहदे ते हुंदा कुछ नहीं। बहुत सारे पहले भी धरने लगे उहदे खिलाफ़ पर कुछ नहीं होया। सवाल यही है हुण इहो जिहे लोक ने जिहड़े उह सरकारां दे कमाऊ पुत बन जांदे ने, ते सरकारां फिर उहनां दे उत्ते इह कुछ करन दी बजाय कोई कारवाई करन दी। हुण डिप्टी कमिश्नर ने, मैं प्रशंसा करदा एप्रीशिएट करदा है DC अमृतसर नूं, हाँ इन्होंने किड्डा वधिया काम किया उहदे खिलाफ़। हालांकि अज तक मैनू नहीं DC इहो जिहा कोई मिलिया कि किसी SDM के खिलाफ़ लिख के सरकार नूं भेज दे, और इहने मतलब लिख के भेजा है और उहदी चार्जशीट तैयार करके उहदी तैयारी कर रहा है। हुण सवाल यह है कि इहो जिहे लोक जदों इहो जिहियां समस्यावां क्रिएट करदे ने तां सरकारां नूं इहनां दे खिलाफ़ पहले जे इमानदार आ सरकार तां कारवाई कर देनी चाहीदी सी, तां ना सानूं इत्थे आउणा पैंदा। भाव मेरा ये लोग साडे बंदे 8 महीनों तो लड़ रहे हैं ये, तो 8 महीनों तो किसी ने नहीं सुनी गल साडी, किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अज असीं इत्थे लैंदा ना सानूं सरकार ने। हुण साडी DC ने सानूं रिटन दे विच दित्ता है कि मैं 15 दिन दे विच सारा कंप्लीट करके इस बंदे दे खिलाफ़ चार्जशीट भी दायर कर दूंगा, नाल दी नाल इहदी मतलब जिहड़ी इनकुआरी है वह भी डिपार्टमेंटल इनकुआरी भी खिला दूंगा, तो नाल दी नाल जिहड़े किसानां दा नुकसान होया उन्हां दा भी रिव्यू करवा के उन्हां दा भी नुकसान पूरा करा देंगे। पर अज जिहड़ा धरना सी एक पर्टिकुलर एक जगह ते सी, लेकिन उस तो बाद अचानक पहले तो अद्धा पुल बंद किया गया, उस तो बाद सारा बंद कर दिता गया, जिहदे करके लोग जिहड़े ने लोगों की लाइफ लाइन पुल, उस करके लोगों नूं परेशानी होई। नहीं जिहड़ा मैं उही बेनती करदा ना, देखो प्रशासन बैठा सी ना, हुण फिर उत्थे ही आ गई गल, लोग अद्धा पुल राह छड्ड के बैठे सी, किसी ने गल सुनी, सब आपदियां आपदियां चेयरस दे उत्ते बैठे सी, लेकिन जदों सारा बंद होया उदों पुलिस भी एक्टिव हुई, अधिकारी भी एक्टिव होए, उदों गलबात सुननी शुरू की। जे यही गलबात सुबह आउंदिया सारी कर लेंदे कि दसो भाई की मसला जे आपां हल करिए, तां मेरा ख्याल सानूं हो सकदा आ भी ना जाम करना पैंदा। पंजाब लैवल दे मसले की गल करिए तां की मुद्दे ने तुहाडे जिहड़े, क्योंकि अज पंजाब भर दे विच चक्का जाम किया गया सी, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक। सब तो वड्डी गल आ जिहड़ा साडा छोटा जिहा गल होई है, ये कोई ये नहीं कहा जा सकता भी साड़ी एक मंग मनी गई। धरना चुकता गया पहली गल तो है, धरना नहीं चुकया गया, धरना जारी है, सिर्फ असी हरिमंदर साहब नूं जांदे रस्ते नूं ध्यान च रख के
असी इहनू मतलब इत्थों शिफ्ट करना करांगे, सुबह शिफ्ट करांगे। सवाल मैं शिफ्ट वो असी मतलब बैठ के विचार करते हैं कित्थे करांगे। हुण बेनती मेरी ये सीगी कि प्रशा एक छोटी जी गल मन ली प्रशासन, मैं भी मैं तो इन्ना कर सकदा, मैं कर दिना, पर जिहड़ी जिहड़ी रोड है भारत माला जिहड़ा प्रोजैक्ट है उस सारे प्रोजैक्ट के उत्ते हरेक ही SDM ने घाला माला किया होएगा, हरेक थां ते होया होया है और वह तो हजे लड़ाई साड़ी बाकी है ना। पर हुण जिहड़े पंजाब लैवल ते मसले ने जिस करके धरना लग रहा है, जिहड़ा तुसीं कह रहे हो कि धरना चंगा रहेगा, वह अंदोलन दीआं मंगां की ने? सब तो पहली तो क्या भारत माला के प्रोजेक्ट के लोगों होइया धांधले तो घपले उन्होंने मतलब रिव्यू करके लोगों पूरा कंपनसेशन देना। एक नंबर दो, साढ़े किसानों ने बड़ी पद्धर के उत्ते फसलों का नुकसान झलिया है। पहला गुलाबी सुंडी ने नरमा मारिया, फिर वाइट फ्लाई आई उन्हें नरमा मारिया, फिर बारिश हुई उन्हें झोना मारिया, फिर झोने के उत्ते आ गई चाइना वायरस उन्हें झोना मारिया, फिर लंपी स्किन आई लोगों गऊं मरिया। वो किसानों कल्याण दी नहीं, मजदूर दियाँ भी मरिया, वो आम दुकानदारों दियाँ सारे लोगों व्यापारियों दी मरिया। हुण वो एडा वड्डा नुकसान होया, सरकार ने साडे नाल कमिटमेंट कर ली कि ये तुहाडा जिहड़ा कंपनसेशन साडा जिहड़ा नुकसान है वो असी भरपाई करांगे। मनिया हुई ने मीटिंगां दे विच मनिया हुई ने, हुण उन्हां नूं लागू नहीं कर रहे। उन्हां नूं लागू करवाउण दे लई अज सानूं 6 पॉइंटां दे उत्ते इह करना पै रिहा है। आ धरना साडा समाप्त नहीं गा, ये धरना सिर्फ साडा पॉइंट बदलांगे और तुहाडा धरना मतलब जारी है। पर सरकार है कि मुआवजे की गल, कि पंजाब तो ऑलरेडी बहुत वड्डे कर्जे हेठ है, 3 लाख करोड़ के आस पास कर्जा पहुँच चुका है, तो उस तो जो मुआवजा देंगे तो सरकार के वित्तीय हालात होर खराब हो रहे हैं। तुम नोट करो, ये सरकार तो माणयोग केजरीवाल जी ये कहिंदे तुसीं बहुत बारी सुने होणगे कि लो जी असी साडी सरकार बनाओ असी इन्ना रेते दे विच ही मुनाफा लिया देंगे, साडी सरकार बनाओ इन्ना असी शराब माफिया के कोलों पैसा खिच के खजाने पा देंगे, साडी सरकार लियाओ असी जिहड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया है उन्हों कंट्रोल कर लेंगे, सरकारी बसा चलनगियां सरकारी बसा दे नाल मतलब इनकम वधेगी। ये गल्लां कहिंदे रहे हैं ना, यही भगवंत मान जी कहिंदे रहे हैं, यही केजरीवाल कहिंदा रहा, तो उही असी कह रहे हैं कि जिहड़ा तू उदों कहिंदे हुंदे सीगे भगवंत मान जी मुख्यमंत्री जी कि जे खजाना खाली इहनू खजाना क्यों, इहनू पीपा कहो, तो फिर जी अज उही हालात थोड़े ने फिर खजाने का नाम क्यों लै रहे हो, खजाना मंत्री तो की करवाना है, उन्होंने तनखा देने वास्ते रखा। पर पिछलियां सरकारां भी देखियां, अकाली देखे कांग्रेसी देखे, किसान हर वेले धरने ते है, तो इहदा हल की है, इहदा किवें हल निकलूगा? जिहड़ा किसान तुसीं कहा धरने ते है उहदे मगर एक सियासत एक बहुत वड्डी पॉलिसी खड़ी है, वो पॉलिसी ये है कि देश दे टोटल नैचुरल सोर्स जिन्ने भी ने, पानी लै लो धरती लै लो, ये सारे दे सारे कारपोरेट लोगों के कब्जे च देने की एक साजिश है और उन्हां कारपोरेट लोगों नूं सस्ता मजदूर सस्ती लेबर प्रोवाइड करवाना सरकार दे एजेंडे ते है। पर हुण फिर इहदा मतलब धरने सुनो ना जी, ये होएगा किवें? जिन्नी देर तक किसान आर्थिक पक्ष तो नहीं टुटेगा उन्नी देर तक ये जिहड़ियां जमीनां जिहड़ा वड्डे कुदरती सोर्स के उत्ते किसान बैठा है वो कुदरती सोर्स उन्हां कारपोरेट लोगों को उन्नी देर नहीं जाएगा जिन्नी देर तक किसान करजाई नहीं होएगा, और किसान नूं करजाई करन वास्ते आ सारियां समस्यावां क्रिएट कीतियां जा रहियां ने। हुण अगर किसान करजाई हो जाता है जमीन चली जाती है तो सुभाविक है जमीन कारपोरेट लोगों को जानी है, और कारपोरेट लोगों को जमीन उन्होंने हाथों दे के तो फिर किसान नूं किसान तो मजदूर दे विच कन्वर्ट करना और उन्होंने सस्ता मजदूर देना एक साजिश है। पर सरकार जिहड़ियां मर्जियां धरने इदां चलते रहेंगे? नहीं, लोग अवेयर हो रहे हैं, तुसीं दिल्ली वाला मोर्चा लग्या बिल्कुल बड़ी अवेयरनैस आई लोगों के विच, अज इत्थे जो मैं आया उदों आउंदे सार लोगों ने गल की कि सानू व्यापारी लोग सानू मार्केटां वाले लोग आके कह के गए है कि असीं भी तुहाडे समर्थन च बह रहे हैं, बवांगे जे कहो तां तुसीं दुकाना बंद कर देने, ये भी कहा उन्होंने, पर असीं उन्हां दी विचारां दा कारोबार बंद नहीं करवाउणा, उन्हां दा साडा कोई प्रोग्राम ही नहीं। हुण इहदा मतलब लोक अंदोलन दे राह ते तुरन लई तैयार ने, अवेयरनैस आ चुकी है लोगों च, जागृति आ चुकी है लोगों नूं पता लग गया कि हर समस्या का हल है जिहड़ा वो इकट्ठे होना है आवाज़ चुकना है, तो जो इकट्ठे हो गए असीं आवाज़ चुकांगे मसले का हल करांगे या करा लांगे। जिवें एड्डी वड्डी अहंकारी सरकार नूं जे असीं दिल्ली दे विच चुका सके हैं तो फिर ये तो गल ही कुछ नहीं। आखिरी सवाल,
पिछली सरकारां ते सरकारां च की फर्क है? मेरी समझ मुताबक कोई फर्क नहीं। देखो कम करन दे ढंग च फर्क है। उन्हां दा कम सीगा कि लोगों नाल गलबात ही ना करो, लोगों नाल मीटिंग ही ना करो, आपे भौंकदे फिरनगे, लोग धरने दे बैठन, लोग मुजाहरे करन, लोग रौला पाउन, लोग सड़कां ते बह जाण, कोई नहीं सुणदा। अज इन्होंने की करना शुरू कर लिया, भगवंत मान के केंद्र ने अपना पंजाब गवर्नमेंट ने इन्होंने यह करना शुरू किया कि आओ भाई पंचों का कहा सिरमत से परनाला उत्थे दा उत्थे जिहड़ा भी जथेबंदी धरना दिंदे उन्हें सद लिया, आ जाओ भाई गल कर लो, गल कर लिया। मीटिंग दे विच टोटल मंगा कह दियां जी मन लिया तुहाडियां, प्रेस मूहरे वाह 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 ले ली भी मंगा मन लिया। भगवंत मान तो बहुत वधिया मुख्यमंत्री है, लेकिन ग्राउंड लैवल दे उत्ते किसे दे उत्ते कोई नोटिफिकेशन ना करो, इहदा मतलब ओह लोकां नाल गल ना करके सरकारां दे मंगा मसलियां तो दूर रहिंदे सी, ये उन्हां नूं लागू ना करके उन्हां मंगा मसलियां तो दूर। चंगा कौन सी? देखो चंगा तो रब का नाँ है। अच्छा, चंगा तो वाहिगुरू का नाँ है, उही चंगा है। इत्थे कोई होर चंगे वाली गल मैनूं नज़र आ नहीं रही, क्योंकि उन्हां सरकारां तों दो तीन गल्लां होर भी ने। देखो इन्हां ने साडे नाल भगवंत मान जी ने कहा कि किसान पराली ना जलाउण, असीं 2500 रुपया एकड़ दा देवांगे, उदों सरकार भज गई। सरकार ने कहा भी किसान मूंगी बीजन, असीं इन्हां नूं MSP ते खरीदांगे, सरकार उहदे ते वी पिछा गई, मतलब स्लिप कर गई। सरकार ने होर बनिया साडे नाल जिहड़ियां मंगां टोटल मैं जिहड़ियां दस्सियां मन के सारे उदों भज्जे ने। पिछे एक स्टेटमेंट लगी कि पंजाब 135 दिन धरनियां दे विच रिहा वा, कि समझदे हो कि 50 दिन छुट्टियां भी आ गईआं, इतवार भी आ गए, क्या पंजाब ग्रो कर सकेगा? नहीं, ग्रो करन दे विच मैनूं ऐ लगदा भी धरनियां चों ही ग्रोथ होएगी। ग्रोथ धरनियां च होएगी, क्योंकि लोग आपके हक मंगन लग जाएंगे ना, अन्ने भगत नहीं रहेंगे। जो लोग आपके हक मंगणगे, हकों लिए अवेयरनैस आएगी, हकों प्रति जागृति आएगी लोगों के, सुभाविक है फिर मतलब वो ग्रोथ भी आएगी, धरना चलता रहेगा होर जगह। हाँ, धरने बाकी सारे साढ़े धरने चालू ने, जिन्ना चर बाकी सारिया मंगा प्रवान नहीं होंदियां उन्नी देर तक सड़कां ते साडे धरने जारी रहणगे। शुक्रिया। ते असीं जगजीत सिंह ढल्लेवाल जिन्हां नाल गलबात कीती है, उन्होंने कहा कि साडे धरने चलते रहणगे, पर मंगां हाले कुछ होर ने, उह हाले आने वाले समय च अगर सरकार ने पूरियां ना कीतियां तां प्रदर्शन होर तेज किया जाएगा। पर फिलहाल अमृतसर दे विच धरना खुल चुका है, कल अमृतसर के होर किसी इलाके धरना लगेगा, जिहदी जानकारी तुहाडे नाल असीं सवेरे सांझी करांगे। कैमरामैन अजय दे नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब TV, अमृतसर।